गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले और मैं पूरा ट्राई करूंगी इसमें अच्छे से वॉइस ओवर करने का। सो मैं सोच रही हूँ ऐसी एक नई सीरीज स्टार्ट करने का मेरे चैनल पे जिस पे मैं अपना सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले लेके आऊंगी विद वॉइस ओवर। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आप लोग के मन में कुछ फीडबैक है मुझे देने के लिए तो वो भी ज़रूर बताना ताकि मैं अपना वॉइस ओवर वीडियोस इम्प्रूव कर सकूँ, बिकॉज मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर वीडियोस बनाए नहीं हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं मिलिट्री बेस उतरी थी और यहाँ ज़्यादा बंदे नहीं आए थे। सो वो सबसे पहले तो मैंने गन ढूंढी और मेरे को आर्मर वगैरह सब मिल गया था। उसके बाद मैंने मेरे जो नेक्स्ट पे बिल्डिंग थी मिड बिल्डिंग सी बिल्डिंग्स में से उन पे मैंने पुश कर दिया क्योंकि वहाँ से काफ़ी देर से मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सी बिल्डिंग पे स्टेयर्स होती है मैं वहाँ गई जस्ट टू चेक कि कोई बंदा टेरेस पे कैंप तो नहीं कर रहा है। सो मैंने चेक किया, वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखा। बट उसी टाइम मैंने थोड़ा अपना टीपीपी लेके बिल्डिंग के लेफ्ट साइड देखा तो वहाँ पर यस एक बंदा कैंप कर रहा था। वहाँ पर लेफ्ट में एक बंदा प्रोन था, बाकी आप लोग अभी देख सकते हैं। सो गाइज मैंने एक छोटू सा पीक लिया और उस बंदे को वहीं डाउन कर दिया और उसके बाद मैंने उसको फिनिश नहीं किया ये देखने के लिए कि उसको कोई रिवाइव करने आता है या नहीं। और उसी टाइम एक बंदा बिल्डिंग के बाहर ही उसे रिवाइव करने आया तो मैंने अच्छे से फुटस्टेप सुना और फिर उस पर पुश कर दिया। गाइस तभी मुझे फुटस्टेप आता है इनके एक और टीममेट का। मेरे को उसका एक्चुअली फुटस्टेप थोड़ा क्लियरली समझ में नहीं आया था तो मैंने ऐसे ही रैंडम शॉट किया ताकि वो थोड़ा अपना मूवमेंट दे जिससे कि मैं फिगर आउट कर सकूँ वो एग्जैक्टली कहाँ है। और जैसे ही मुझे पता चला मैंने अपना नेड किया एंड बूम बम। लॉल आई डोंट नो ये बंदा कहाँ से आया, बट क्या ही था ये। सो गाइज इसके बाद मुझे बहुत ही दूर एक फ्लेयर शूट होते हुए दिखी थी तो मैंने सीधा उसी फ्लेयर पे ले लिया और वो थी जॉर्जपोल कंटेनर्स पे। सो इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग ब्लाइंडली आई चूज दिस ब्लू वन स्टोरी क्योंकि यहाँ से फ्लेयर ड्रॉप काफ़ी ओपन में विजिबल था। सो मैंने सोचा पहले बंदे स्पॉट कर लूँ क्योंकि कई बार ब्लाइंड क्रैश करने में स्कैम हो जाता है। तो मैंने यहाँ रुक के देखा बट कोई भी बंदा स्पॉट नहीं हुआ और फिर एकदम से एक कार आई जिसने पता नहीं क्यों मुझे नहीं देखा, मैं इतना ओपन में थी। बट बंदा अपना मस्ती गोलियां खाए जा रहे फिर भी गाड़ी घुमाए जा रहे, पता नहीं क्या कर रहा था। सो स्कैम हो गया इनके साथ। तो जैसे ही मैं इन दो बंदों को फिनिश करती हूँ इनके बाकी दो टीममेट्स भी मुझ पर पुश कर देते हैं जिनको भी मैं इजीली टेक डाउन कर लेती हूँ। बट उसी टाइम मेरे को दूर से एमके के शॉट्स आते हैं मुझ पर। तो मैं जल्दी से अपना कवर भी ले लेती हूँ और इतने में मैं देखती हूँ कि एक और गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। सो गाइज एक बंदा तो गाड़ी से ही गिर गया था तो मैंने सोचा कि अब इन पे मैं पुश तो कर ही सकती हूँ। मुझे श्योर नहीं था अभी भी कितने बंदे हैं बट एक जगह पर ज़्यादा देर रहने का कुछ पॉइंट होता नहीं है। तो मैंने रोटेट किया और मैंने देखा था कि उनकी गाड़ी कौन सी कंटेनर्स पे गई थी तो मैंने उसके जो क्लोजेस्ट कंटेनर्स थे वहाँ पर अपनी गाड़ी क्रैश कर दी।
गाइस बंदे ढूंढते हुए मैं ऐसे ही रैंडमली कंपाउंड्स के आसपास से जा रही थी, तो इधर मैंने देखा कि एक डासिया क्रैश्ड है, तो मैं यहाँ पर रुकी और सिर्फ एक बंदे का फुटस्टेप आया था, तो मैंने केयरफुली चेक किया नीचे शैक में भी कोई कैंप कर रहा हो, बट मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैंने ऊपर ही ग्रेनेड करने का सोचा कि एक दो नॉक्स निकाल लूँ, मे बी पूरा स्क्वाड ऊपर बैठा हो। बट एक्चुअल में एक ही बंदा था ऊपर, कोई कैंप नहीं कर रहा था। सो आई थॉट कि चलो एक ये बंदा तो डिस्कनेक्टेड है, बाकी देखते हैं, तो मैंने इसीलिए पुश ही कर दिया। और तभी बालकनी में एक्चुअली एक बंदा कैम्प कर रहा था, और उसका टीममेट तो पता नहीं डिस्कनेक्टेड ही था पूरा टाइम, तो खराब लगा। तो गाइस इसके बाद सिर्फ एक ही बंदा बचा था मेरे अलावा, सो मैंने उसको ढूंढा और सरप्राइजिंगली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। मैंने थोड़ी देर बग्गी घुमाई, मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि कोई कहीं ओपन में प्रोन होगा या किसी शैक पे या रॉक पे, तो मैंने हर वैसी जगह चेक किया और एक्चुअल में वो रॉक के पीछे एक बंदा बैठा था, बट सरप्राइजिंगली उस पर ग्रोजा थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि इसको तो मुझे पैन ही करना है, चाहे और अगर मैं मरती हूँ तो कोई बात नहीं, चिकन डिनर उसका। सो गाइज दैट वॉज इट, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर अपना ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करना कॉमेंट्स में, ताकि मुझे पता लगे आप लोग को ऐसे वीडियोज़ पसंद है या नहीं। एंड आई नो ये लॉबी थोड़ी अच्छी नहीं थी, ये वीडियो भी एक्चुअल में थोड़ा पुराना है, और ये मैंने सैमुअल के अकाउंट से खेला था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा टियर इतना हाई नहीं है। बट मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को ऐसा वॉइस ओवर वीडियोज़ चाहिए कि जस्ट गेम प्ले वीडियोज़ चाहिए, ताकि मैं जैसा कंटेंट आपको चाहिए वैसा दे सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।